Hi everyone, I am SS Dhull, father of Saksham Dhull, who got AIR 66 in IIT Advanced 2017 with marks 310 out of 366. I am thankful to my all colleagues, my teachers who taught Saksham Dhull in FIITJEE Punjabi Bagh. मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ. आई एम थैंकफुल टू गॉड. FIITJEE पंजाबी बाग सेंटर पे जो हमारा स्टाफ है, वो चाहे वो टीचिंग का है, नॉन टीचिंग का है, एवरीबॉडी बहुत कोऑपरेटिव है. और इन लोगों के कोऑपरेशन से, इन लोगों के एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर से, जो इन लोगों ने एक अच्छा ग्रुप डेवलप किया, उस ग्रुप की जो आपस की डिस्कशन रही वो काफ़ी हेल्दी रही. और उस हेल्दी डिस्कशन की वजह से आज सक्षम इस मुकाम पर पहुंच गया है और उसने आईआईटी मिशन 2017 को भी सक्सेसफुल मिशन बना दिया है. ये बहुत हर्ष की बात है कि एक बाप होने के नाते प्राउड मोमेंट है, और जिसका मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि इसने एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के अंदर हैट्रिक लगाई. लगातार तीन बार से इसने स्टेज वन स्टेज टू क्लियर करके अपने आप में दिखा दिया है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो कि एक कॉम्बिनेशन बनता है एस्ट्रोनॉमी का, वो इसने FIITJEE में पिछले ढाई साल तीन साल लगातार स्टडी करने के बाद इसने अपना लोहा मनवा दिया है. और दूसरी तरफ इसका इस साल फिजिक्स कैंप का जो अटेंडेंस वहाँ पे गया है वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, और अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है. उधर से केमिस्ट्री ओलंपियाड के अंदर भी इसने अपना लोहा मनवाया. मैं तो हैरान हूँ ये देख के कि इस बच्चे ने केमिस्ट्री को किस एंगल से इसने पढ़ा, उसकी फ्यूम्स को कैसे समझा. ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसकी मुझे मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो केमिकल रिएक्शन जिसने जो सोची समझी और सोच समझ के 80 मार्क्स तक मतलब इसने हासिल किया, जबकि हाईएस्ट इंडिया में 82 मार्क्स बनते थे. जिस दिन मैंने रिजल्ट आया देखा तो मुझे लगा कि थैंक गॉड कि ऐसा बच्चा भी, अद्भुत बच्चा हमारे पास है. और आई एम थैंकफुल टू FIITJEE पंजाबी बाग सेंटर, जिसमें कि सारी फैकल्टी को थैंक्स जाता है. बिकॉज सक्सेस जो है वो किसी एक चीज़ से नहीं बनती, उसमें सभी चीज़ों का अपना एक योगदान होता है. मैं इनका जो क्लासमेट्स हैं उनका भी काफ़ी थैंकफुल हूँ. मैं फील करता हूँ कि वो मेरी एक एक्सटेंडेड फैमिली है. और ऐसे ही लास्ट ईयर में साहिल ढुल, जो मेरा बड़ा बेटा है, उसका JEE मेंस में 27th रैंक था, और वो 9 स्टूडेंट्स थे, आपस में FIITJEE पंजाबी बाग में काफ़ी अच्छा डिस्कशन करते थे, और उनका जो आपस का म्यूचुअल कोऑपरेशन था, तो वो एक मामले में काफ़ी अहम रहा कि वो इतने होनेस्ट थे आपस में कि एक दूसरे को रियल ब्रदर मानते थे. एक एपिसोड मैं आपको रिपीट करा देता हूँ जो पिछली साल भी मैंने बोला था. ये मेरा प्राउड मोमेंट है कि मैं FIITJEE में दूसरी बार लगातार यहाँ पर आया हूँ और मैं आपसे अपने विचार साझा कर रहा हूँ. मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल वो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए. बच्चा कई बार एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा कर पाता है, कई बार बहुत डाउन भी चला जाता है. तो मैं ये कहता था कि भाई ये जो चीज़ें जो है ये तो एक आम बात है, और इसमें मदर का विशेष रोल मतलब बनता है कि मदर का रोल ये बनता है कि उसका बच्चे के साथ लगातार इंटरेक्शन रहना चाहिए. वो बच्चे के मूड को जाने समझे, उसके साथ साझा करे, और उससे शेयर करते हुए जो ना उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको ख़त्म करे, और पॉजिटिविटी का विचार इतना भर दे उसमें कि छोटी मोटी हर्डल्स उसको हर्डल्स नज़र नहीं आने चाहिए. जहाँ तक टीचर्स की बात है कि टीचर तो भगवान समान होता है, ये मेरे दोनों बच्चों ने माना. यही इनके एक सक्सेस का मूल मंत्र है कि, और वाकई में FIITJEE के अंदर जो टीचर्स मिले वो हैं भी इस लायक, टीचिंग के हों, नॉन टीचिंग के हों. मैं कहता हूं कि एक सफलता के अंदर सभी का योगदान होता है, फेलियर के अंदर तो अकेला बच्चा भी काफ़ी होता है. मैं सभी पेरेंट्स से विनती करूंगा कि वो अपने बच्चे के अंदर जो भी एक आकांक्षा उसे रखेंगे, एक सपना उसे देखेंगे, वो 100% उसको साकार कर पाएंगे. हर सपना शुरू में असंभव सा नज़र आता है. मुझे भी ऐसा लगता था कि जब हमने स्टार्ट किया तो मैं हैरान हूँ कि NTSC क्रॉस कर लिया, दोनों बच्चों ने क्रॉस कर लिया, फिर KVPY की बारी आई तो एक का ऑल इंडिया 46 रैंक आया तो दूसरे का 48 है, फिर ओलंपियाड की बारी आई तो ओलंपियाड में भी इन्होंने दमादम कर दिया कि
कि एक के बाद एक ओलंपियाड इनका क्लियर हो रहा है, जैसे कि आपकी बार ये कैंप अटेंड करके आया फिजिक्स ओलंपियाड का, और एस्ट्रोनॉमी का तो इसने 3 बार अटेंड किया है, 3 बार जो लेवल 1-2 क्लियर किया है, और इधर से जो है केमिस्ट्री का भी इसका जो है लेवल 1-2 दोनों क्लियर हुए हैं। तो जहाँ एग्ज़ाम्स की बात है, 1 डे बिफोर हम बच्चों से हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यस हम तैयार हैं, कल का दिन हमारा होगा या नहीं होगा वो एक दूसरी बात है, लेकिन आज शाम को हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, और इसलिए हम जो ना थैंक्स गॉड करते हैं और आराम से सो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ आई एम थैंकफुल टू गॉड कि बच्चों ने एक एनालिसिस करना सीख लिया है, और ये मैं आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू फिटजी पंजाबी बाग सोसाइटी एज ए होल कि जिन्होंने बच्चों का मनोबल बढ़ाए रखा और साथ साथ उनको संभालते भी रहे, ग्रुप डिस्कशन भी खूब किया इन्होंने, इस साल भी किया, पिछले साल भी किया, तो दोनों बच्चों का एक मूल मंत्र यही रहा कि एक एक्सटेंडेड फैमिली समझते हुए आगे बढ़ते चले गए। और मैं आप लोगों से भी आग्रह करूँगा कि आप लोग भी आने वाले समय में इसको मेंटेन रखेंगे।